नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छ बापी खबर आरंभ करवा हेडलाइंस रु उत्तर प्रदेश कुशनगर वायुसेना विमान दुर्घटना अल्पके बर्तिले पायलट उड़ाणर 10-15 मिनिट पर घटला दुर्घटना पुणि विराटर विराट विजय 10 वर्ष पर निज घर मटी सीरीज कब्जा कला विराट बाहिनी 3-0 रे आगुआ सीरीज को कब्जा कला टीम इंडिया विधानसभा स्वाधिकार नोटिस भंग घटना हाजर हेले ओटीवी निर्देशिका जागी मंगत पंडा कहले जाणीशुणी ओटीवी को करा जाउछि हैरान बीजेपी सामिल है अभिनेत्री ईशा कफिकोर नितिन गडकरी उपस्थित रहे सामिल कहले मोदी शासन में अनुप्राणित तो हो बीजेपी में जोगदे सारा राज्य में जारी रही कोला पाग विदर्भ आखपाख अंचल सृष्टि गुंडीबलय प्रभाव में ओडिशार केतक स्थान में वर्षा संभावना एवं संपूर्ण खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश कुशीनगर में आज वायुसेना एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो उड़ाण आरंभ किसी समय पर विमानटी दुर्घटनार शिकार हो कुशीनगर अंचल चाष जमि में पड़ी यह दुर्घटन पायलट कौन क्षतिग्रस्त होना दुर्घटन किसी समय पूर्व पायलट सुरक्षित थिबा विमान बाहर जाते तेज पायलट उपस्थित बुद्धि जो विमानटी जनबसति नपड़ी खाली स्थान में पड़ा जहाद्वारा कौन धनजीवन हानि होना गोरखपुर एयरबेस विमानटी उड़ाण करता तेज दुर्घटना पर वायुसेना पक्ष घटनार अधिक तदंत निर्देश दिया दुई हेलिकप्टर अंचल सर्च ऑपरेशन आरंभ कर विमानटी ट्रेनिंग रूटीन उड़ान भरी 10-15 मिनिट पर यह दुर्घटनाग्रस्त होता आसवा परवर्त खबर को बौद्ध जिला मनमुंडा थाना बाउंशुणी निकट बाघपोल निकट में बाइक दुर्घटना घटी जनकर मृत्यु होता बेले जड़े महिला गुरुतर आहत होता जमापड़ मृत व्यक्ति ना अनग पाणिग्राही और गुरुतर महिला आरती होता घर सरसरा बोली जमापड़ मिलता खबर अनुसार बीएमपुर एक बाहर सारे निज ग्राम को फेरी बेले बाघपोल निकट में कौन कारणवशत भारसम फल पिटी होगा छिटकी हो पड़ते तेज स्थानीय लोके और बाउंशुणी दमकल बाहन सहायतार उभयों को उद्धार कर बाउंशुणी मेडिकल भर्ती करते महिला अवस्था गुरुतर होवु बुर्ला मेडिकल को स्थानातरित करा बेले अनंग प्राणीग्राही को डाक्तर मृत घोषणा कर ओडिशार नंबर वन न्यूज चैनल ओटीवी को जाणीशु उद्देश्यमूलक भाव हैरान कर विधानसभा स्वाधिकार कमिटी आगे आज हाजर होगापर यह प्रतिक्रिया रखी ओटीवी निर्देशिका जगी मंगत पंडा से कहते जड़े महिला उद्योगपति भाव राज्य में गत 22 वर्ष धरी मुझ कार्य करसुच्छी राज्य में 2000 अधिक निजुक्ति सृष्टि जड़े महिला उद्योगपति भाव एवं आमको हैरान कर अनुभव करुच्ची ओटीवी एवं भी राज्य सबुठार अधिक दर्शक देखुवा न्यूज चैनल यह सत्वे ओटीवी को हैरान कर नाना प्रतबंधक सृष्टि विभिन्न दिग्वर आक्रमण जगी स्पष्ट कर ओटीवी मैनेजमेंट के न्यूज्रे हस्तक्षेप कैना ओटीवी चार्टर अनुजाई सांबादिकने वृत्तिगत भाव खबर परेषण करपक्ष शुणी पर स्वाधिकार कमिट सदस्य तथा मंत्री प्रताप जेना कहते प्रसंग में जांच चली पुणी आउ एक तारीख में एने शुणी हो गत नवेम्बर 19 तारीख में विधानसभा संपर्कित एक खबर प्रसारण को नहीं विरोधी दल मुख्य सचेतक ताराप्रसाद बाहनपति ओटी विरुद्ध स्वाधिकार भंग नोटिस आ दैट इन ओडिशा मु गत 22 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन ओडिशा एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर हैव क्रिएटेड मोर देन 2000 जॉब्स इन ओडिशा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर आई फील एक्सट्रीमली हैरेस्ड एंड आई से दिस बिकॉज 22 इयर्स रे आम एमतिया सिचुएशन फेस कलुनी इन इवन टुडे OTV is the most viewed channel in Odisha. All of you are aware of it, and yet OTV is being harassed, and lots of hurdles being created and attacked from various fronts. Mu finally eti ki kahiwa chahuchi ki OTV ro management is nowhere in doesn't interfere in news. We are very proud of our journalists that they do a professional job and they always follow a written charter given by us. Always very professionally news is covered dekhantu aji committee e bisare alochana heichi ebong parikha nirikha sampurna heini ya chali chi ebong paraborti tarikh re puni
ए विषय आलोचना हे कि आप जानते कि विधानसभा चलुवा समय विधानसभा जो प्रिविलेज रही से प्रिविलेज अनुजाई मान्यवर बाचस्पति बा विधानसभा को कई आक्षेप करोसी संवाद परेषण करें गोटे संवाद जेहेतु परेषण होता ओ टीवी कि हु रन्स द हाउस ए कथा को लेकिन आज आलोचना था। पद्मपुर उपखंड गाइसलाट ब्लक बुरमुंडा ग्राम से करमसानी माँ पूजा उत्सव संगे संगे करमसानी प्रथम थर पर कलाकार सम्मेलन आयोजित होती है। इस सम्मेलन में बहु संख्यार कलाकार जोगदे देखा रिपोर्ट जुहार गमा करमसानी अपुत्री के पुत्रदानी पश्चिम ओडिशार एक आदिवासी बहुमंत्र पश्चिम ओडिशा आदिवासी संप्रदाय एक निरा आध्यात्मिक परंपरा विश्वास तथा लोक संस्कृति अटे तथा पारंपरिक पूजा मानक मध्यरे कर्मा पूजा अनन्य एबे एहा धीरे धीरे अन्य संप्रदाय मानक मध्यरे मध्य मान्यता पाइबा सह स्थाने स्थाने देखा दिछि। तबे मान्यता अनुजाई एहि कर्मा पूजा भाद्रव मास उज्ज्वल पक्ष दशमी तिथि आरंभ होई दशहरा पूर्णमी पर्यंत होइथाय। एहि अंचलरे ग्राम मानकरे एहि पूजा प्रतिवर्ष देखिबा को मिलिथाय। जो माने मानसिक करिथांति सेमाने मानसिक पूरण हेले वर्षर जो दिन हेले मध्य निजर सुविधा अनुसार ए पूजा कराइथांति। पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिल्लार कर्मा कलाकार मानक गुटे कर्मा सम्मेलन करछो आउ इटा सकाळ 10 रु राति 10 पर्यंत प्रोग्राम होचे तीन दिन धरिकरी जेन माने मौका नि मे परवार से माने प्रचार प्रसार नहीं पार्बार इटा गोटे उद्यम आज आम कर्मा कलाटा जेन गाँव रीमित हो रही से बाहर के आम प्रचार प्रसार करवा लगे गोटे गोटे मंच आम भाषा झाकर वर्ष आम करम सानी के तीन टा पुंजी देस दीप जालसुँ धोपखाड़ी नड़िया सेन्दूर ते चंगरा गुटके बसासुँ आर डाल आनसु सारा पथर थी मैट गुटे जुगार बड़े कर भितर रखिक बेल थी तार उपर बसईक आम आनिक पूजा रे मादल बाहक ताल बाहक और जने गायक आवश्यक होता है एवं नाम यज्ञ पर यह पूजा मध्य प्रहर अनुसार गोटे रु तीन दिन पर्यंत होता है। मादल बाहक मानक मध्य प्रतियोगिता एपरी एक परंपरा उपरे पद्मपुर उपखंड संबलपुरी फोको एकेडमी तरफ एक कर्मी कलाकार सम्मेलन अनुष्ठित होती अंचल प्राय 200 रु अधिक कर्मी कलाकार जोगदे आ बहु पुरातन एक लोककला तथा लोक संस्कृति को पुनर्लोकलोचन को आने तथा यार प्रचार प्रसार पर ध्यान देवासह परंपरा उपर गवेषणा करते तबे वर्तमान सुधा एक लोक परंपरा अवहेलित हो रही देखा मिली। कर्माटा यहाँ गोटे सात भहनी गोटे देवी हन करम सांगीटा सात भहनी भितर जन गोटे देवी हन तर पूजा तर मैंने कराहेसी बर्ष इटा हलन गजर डाल आनी कर पूजा करा हेसी माँ मैंने जे बहन मैंने उपास रहसन आर लिया जुगार नड़िया धोपखाड़ी सिंदूर बेल डाल अनला डाल सब आनिक पूजा करा हेसी गाँव तिरकुट जगार इटा ई सम्मेलन इटा तर मैंने इटा सम्मेलन आकार रे ई वर्ष करा हेसे ना आमर गाँव रे तर मैंने करम सानी पूजाटा प्राय मोर जानला जन 70-72 बर्ष मत 72 बर्ष होगा 72 बर्ष तर मैंने करम सानी पूजा हो इटा करम सानी पूजा चली थी आमे गीतवाद्य नृत्य करवार लगी यही जो हाँ बाहक उन्नति बेले आमर पश्चिम ओडिशा जेन करम सानी आगुरी चली देला आदिवासी नृत्य इटा ये कसन आदिवासी नृत्य आ से आदिवासी नृत्य के नहीं करी यादे विभिन्न छोट कें बड़ कें सबे ध्वनि वाले भी निश्चित बड़ बड़ मानने कास्ट वाले भी कर बसलेन करम सानी आ से करम सानी उद्भाद हेबार लगी आमर कलाकार काणा करछन यादे आमे जिते बेले के लुकी जाऊचे करम सानी तो करम सानी यार गाँ गली बंद बढ़ी जाऊँगी आज तो गवर्नमेंट हिसाब से जिते लुकी जाऊला आमर ये काण कले न पश्चिम ओडिशा आम कलाकार जिते लुकी जाऊन तो आम बुरमुंडा नहीं क्या लुकबे आ कहीं प्रॉफिट नहीं पाए तबे बहु पुरातन एक परंपरा प्रति सरकार दृष्टि यार पुनः उज्जीवीकरण क्षेत्र में पदक्षेप नेह कर्मा कलाकार मानक कलाकार भत्ता योजना अंतर्भुक्त करने जनसाधारण तरफ दावी होता। बरगढ़ जिला पद्मपुर नीलकंठ दीप रिपोर्ट हेडलाइन ओडिशा।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗାକୁ ଏନ୍ଏସି ଦାବି କରିବା ନେଇ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗାକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୋକାନ ବଜାର ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ପଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାପନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଲୋଇସିଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଅପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନବକିଶୋର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଏନ୍ଏସି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କରବାର ଲାଗି, ସ୍ଥାପନ କରବାର ଲାଗି ସରକାର ଯେନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କରବାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଣିରେ ଗାର ହେଇଛି, ସେଟାକେ ପ୍ରତିହିତ କରବାର ଲାଗି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠିଛନ୍ ଏବଂ ଏଠାନେ ଆଜି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଆଜି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକର ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋଇସିଙ୍ଗାକେ ଏନ୍ଏସିରେ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ତାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଯେହେତୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି 2014ରୁ ଆମେ ନିଜେ ଏକା ଉଠେଇଥିଲୁ, ଲୋଇସିଙ୍ଗାକେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି କରାଯିବା ଆଗେ ଦାବି ନି ହଉଛି, 2014ରୁ ଏକା ଆମର ଏନି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। ଏଇ ଦାବି ଆମର ଲୋଇସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପପୁଲେସନ 10,000 ହେଇଯାଇଛନ୍, ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୁଡ଼ାକେ ହୀରାପୁରକେ ମିଶିକି ନେଇକି କରବା ଲାଗି ଯୋଜନା କଲୁ, ଯାଇକିରି ଗାଁ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କଲୁ, ଯାଇକିରି ଆମେ ସଭାରେ ଦିଆ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲୁ, ହେଲେ ବି କାହାକେ ନେଇ କରବା ଯେ ଆମେ ବୁଝିନି ପାରବାର। ପଦ୍ମପୁର ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ବାରିହାପାଳି ଛକଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ବାରିହାପାଲି ନିକଟ ଖୁଜେନ ଗ୍ରାମର ନୀର ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ବାରିହାପାଲିଠାରେ ବସିଥିବା ବଜାରକୁ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ ଚାଳକ ବସ୍ ସହିତ ସିଧା ଯାଇ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ଚାଳକକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିବା ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିବିରରେ 92 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭତ୍ତା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ପିଡି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରସ୍ଥିତ ସାରଙ୍ଗଧର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 41 ସ୍କାଉଟ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବିଡ଼ିଓ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାମାକ୍ଷା ନଗର ସବ୍ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଭୋଟ ଦାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।